हेलो एवरीवन तो फाइनली हम ए सी बिल की जो क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम 2015 फिफ्टीन का पी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसकी मेरे पास सीरीज़ ए है जैसे कि आप देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स इसमें हंड्रेड और टाइम जो था वो टू आवर्स था और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैं आपको इसके आंसर्स बताने वाला हूँ वो रिवाइज आंसर की के बेसिस पे हैं तो आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है सारे जो आंसर होंगे वो रिवाइज आंसर की में हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को जो है बाद में रिवाइज आंसर की में कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन में या, या तो कोई एरर था या तो ऑप्शन में तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी बता दूँगा <coughs> तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पेपर में जो था कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी क्योंकि ये फिफ्टीन का है और अब जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन द वॉल्यूमेट्रिक मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बल्क मॉडल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू द अपर बॉन्ड ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर एन एन आइसोट्रोपिक मटेरियल में भी तो इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन डी एव बन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड बार इज ए विच इज सब्जेक्टिव टू तो इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन है एक्जियल पुल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अंडर डायनेमिक लोडिंग एज कम्पेयर टू फैक्टर ऑफ्टी सेफ्टी एंडर स्टेटिक लोडिंग इज तो इस क्वेश्चन को जो था इसका जो राइट right आंसर है वो ऑप्शन ए मोर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए साफ्टीज तो इस क्वेश्चन को जो था रिवाज आंसर की है कैंसिल कर दिया गया था तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इम्पैक्ट अनेबल्स वन टू एस्टिमेट द प्रॉपर्टी ऑफ तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी टफनेस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन मोहर स्ट्रेस सर्कल डाइग्राम एग्रीज विद द एनालिटिकल सोल्यूशन तो इसको जो है फाइनल जो रिवाइज आंसर की आई थी उसमें क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट द रेल ऑफ इंडियन रेलवे इज द एग्जाम्पल ऑफ तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बीम ऑन इलास्टिक फाउंडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन कंसेंट्रेशन ऑफ शीयर सेंटर इन इम्पोर्टेंट फॉर बीम्स ऑफ तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी एरोप्लेन ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन कंटिन्यूस भीम इज डीम्ड एज डी भीम रेशो ऑफ स्पेन एल एंड डीज तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए लेस दैन टू पॉइंट फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवन द एंड ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स आर एंकर्ड इन तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए कॉम्प्रेशन जोन नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार इन कॉम्प्रेशन एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस बार इन टेंशन शुड बी तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इंक्रीज बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टीन द डेफ ऑफ ए टी बीम हैज बैलेंस सेक्शन इज बेस्ड ऑन द एजम्पन दैट तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ ऑफ ए बब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टीन द टॉजनल इफेक्ट इज कंसिडरेबल इन केस ऑफ तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी एल बीम और टी बीम नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन द मैक्म स्पेसिंग फॉर शेयर इन्फोर्समेंट मेजर्ड अलॉन्ग एक्सीज ऑफ ए मेम्बर शुड नॉट एक्सीड फॉर वर्टिकल स्ट्रीप बाई तो उसका जो राइट आंसर है तो श्तित देने। श्तित देने। देने। तो ए, वो ऑप्शन ए जीरो पॉइंट सेवन फाइव डी नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्कुलर बंकर एंड कोनिकल डोम बे रिंग बीम एट देयर जंक्शन द रिंग बीम इज डिजाइन फॉर तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हुप टेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन द रिवर्सिबल नेचर लोड आर तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन ने, है इन इन अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन द इंटरनल लोड इज इंक्रीज बाई तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए लोड फैक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटीन बकलिंग ऑफ टॉप फ्लेंज इन प्लेट इज प्रीवेंटेड बाई तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए लेटरल स्टीफनर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी ए प्लेट इज। इस तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इस। तो बिल्टअप बीम